हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक टास्क है, अब टास्क क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्सेल शीट ओपन है और यहाँ पर आपको दिख रही होगी इम्प्लॉइज और उसकी सैलरी की लिस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट और लंबी भी हो सकती है, यहाँ पर जो मेरे पास है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो लिस्ट है वो हमारे पास है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ इम्प्लॉइज है और यहाँ पे सैलरी है, यानी इम्प्लॉई का नेम और फिर यहाँ पे सैलरी आई हुई है। तो यहां से क्या करना है आपको, पहले तो इसे रुपीज फॉर्मेट में बदलना है। तो रुपीज फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहां से जनरल जो ये ड्रॉप डाउन है यहां पे क्लिक करना है और करेंसी पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर ये इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि सर इसमें आप ऐड कर दीजिए 7,000 रुपये, यानी ऐसा कुछ करिए कि 7,000 रुपये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाए, खुद से ऐड हो जाए, मतलब हमें चेंजेस ना करना पड़े, मेहनत ना ज्यादा करनी पड़े और ये सब ऑटोमेटिक हो जाए। ये कैसे होगा, ये हमें करना है, ठीक है ना। कितना बोनस ऐड करना है, 7,000, 8,000, जितना भी करना हो। जैसे मान लीजिए 5,500 रुपये इनकी सैलरी में ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 5,500 रुपये। मैं इसे भी रुपीज फॉर्मेट में बदल देता हूं। तो ये वो अमाउंट है जो इसमें ऐड होना है, मतलब सब में ऐड होना है, जिसकी जितनी सैलरी उसी में 5,500 ऐड हो जाने हैं। तो कैसे करेंगे ये, आइए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत जनरल सा मेथड है कि आप इस सब में 7,000 ऐड करते चलिए, बड़ा उबाऊ काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 5,500 ऐड करना है, कहीं पर भी आप लिख लीजिए 5,500 और इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। आप कंट्रोल सी की भी मदद ले सकते हैं कॉपी करने के लिए। और चूंकि इन्हीं सारे डेटास के अंदर हमें 5,500 ऐड करना है, तो ये सारा डेटा आप कर लीजिए सेलेक्ट और सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाइए और पेस्ट स्पेशल पे जाके चूंकि हमें करना है ऐड, तो बस इस ऐड पे क्लिक करके और यहां से क्या करना है आपको, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए क्या जादू होगा यहां पर, आप देखिएगा। यहां पर ओके किया तो आप देख सकते हैं कि सब में 5,500 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। देख लीजिए पहले क्या था और अब क्या है, देखिए ये पहले था, ठीक है, 40,000 था और अब क्या है, अब यहां पर 45,500 आ गया है, देख रहे हैं ऊपर। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले वाले में हुआ है, ये हर एक सेल में हुआ है। देखिए यहां पर लास्ट तक आप देखिए 5,500 ऐड होता चला गया है, ठीक है ना। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्सेल में। काफी सारी ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। एक और बात, जैसे कभी कभी, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी कहीं कहीं डिक्रीमेंट भी हो जाता है। तो मान लीजिए कि 5,500 डिक्रीमेंट करना हो, जो सैलरी पुरानी थी, तो पुरानी सैलरी के लिए हम यहां पर आ जाते हैं। ये देखिए ये पुरानी सैलरी थी 40,000, अब मान लीजिए 5,500 किसी का डिक्रीमेंट करना है। अब 5,500 तो नहीं करेंगे, यहां पर हम करते हैं 1,000 डिक्रीमेंट। सबके में से क्या करना है, 1,000 डिक्रीमेंट करना है, घटाना है 1,000। सैलरी कम मिलेगी, मेहनत कम किया था, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो सबसे पहला काम कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके यहां पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी हो गया ये, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा देखिएगा, हेडिंग मत सेलेक्ट कीजिएगा, ये केवल डेटा सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहां पे करना है राइट क्लिक। क्योंकि कॉपी हो जाएगा तो फॉर्म पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, तो यहां पर आइएगा तो अब ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट मिलेगा आपको। तो इस पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके अब क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है बेटा, तो यहां पे देखिए 1,000 सबके में से घटाना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 40,000 है, ये 20,000 है। अगर 40,000 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 39,000, 39,000, और 20,000 में से 1,000 माइनस होगा तो कितना होगा, 19,000। इसी तरीके से 14 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 13,000। तो आइए देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। यहां पे सबट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए सबका 1,000 डिक्रीमेंट हो गया, देख सकते हैं ना, हर एक सेल में जो भी अमाउंट लिखा था सब में से 1,000 डिक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट कराइए, डिक्रीमेंट कराइए, जो कराना हो कराइए, ठीक है। सीखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको सोल्यूशन जल्दी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि आज की टैली की लाइव क्लास 8 बजे से चलेगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब शाम को टैली की लाइव क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।